हेलो फ्रेंड, मैं रेखा दिल्ली से, मेरा यूट्यूब चैनल वाटिकस गार्डन में स्वागत करती हूँ आपका। ये फ्रेंड देखो, मैं इन पौधों को अपने गार्डन में ऐड करूँगी। ये देखें, इस पौधे का मैं नाम भूल गई हूँ, तो आपको पता ही चल गया होगा ये कौन सा पौधा है। देखें, और ये देखो कोलियस, ये गर्मी में मेरा ख़राब हो गया था। बहुत अच्छा कलर है इसका, ये देखें पत्तियों बहुत सुंदर हैं। ये गर्मियों में पूरी तरह से मेरे गार्डन में ख़त्म हो चुका है कोलियस और ये वेंड्रिंग जो, ये देखें आप। इस तरह से छोटी छोटी कटिंग लगा के अपने गार्डन में फिर से पौधे तैयार कर सकते हैं। और ये देखें एग्लोनिमा, सॉरी शिंगोनियम, ये देखें। तो आप इस तरह से बहुत सारा कटिंग को इस तरह से लगा सकते हैं। ये देखें जड़ें भी आ रही हैं इस पे। और जब इन पौधों की कटिंगों को हम लगाते हैं तो हमें ज़्यादा उस कटिंग में ज़्यादा खाद वगैरह ना डालें, क्योंकि कई बार ज़्यादा खाद डालने से पौधों की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारे पौधे ये बहुत नाजुक होते हैं, क्योंकि इनको ग्रो होने में भी थोड़ा टाइम लगता है और इनमें इतनी जान नहीं होती है कि इतना खाद को हम ये सहन कर पाए। तो सिंपल मिट्टी में ही थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डाल के इनको लगा सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे कोलियस है। ये तीन तरह का था, मैं तीनों तरह का लेके आई हूँ। और देखिए एक ये भी बहुत प्यारा कलर है। इस तरह से इन कटिंग को मैं लगा दूँगी और लगाने के बाद मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। ये देखें, और इसका ये भी एक मनी प्लांट की ही वैरायटी है। ये देखें बहुत सुंदर लग रहा था, ये मेरे भाई ने हैंगिंग बास्केट में लगा रखा था, तो मैं उसी वहीं से लेके आ गई। क्योंकि जो गार्डनिंग करते हैं उनको कहीं से भी पौधे अच्छे दिखाई देते हैं तो वो उस पौधों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते। मैंने सुबह सबसे पहले उठ के यही काम किया कि मुझे आना भी था यहाँ पे अपने घर, तो मैं सबसे पहले इन कटिंग को ही मैं लेके आई। ये देखें इस तरह की, देखो कितने अच्छी हैं। और इन ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे क्योंकि इनमें जड़ें हैं, देखो ये। और ये कोलियस पानी में भी लग जाता है, ये भी पानी में लग जाएगा, वेंड्रिंग जो भी लग जाती है। ये सभी पौधे आप पानी में भी लगा सकते हैं फ्रेंड सभी। ये मैंने कभी पानी में नहीं लगाया है तो इसका मुझे नहीं पता। तो और ये देखें, ये भी पानी में लग जाएगा। ये देखें कितना अच्छा कलर है इसका। इस पौधे को मैं पहले भी लेके आई थी पर वो ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाया, छोटा सा ही है अभी वो, उसको एक साल हो गई होगी, इतना ज़्यादा ग्रो नहीं है। मैं आपको दिखा दूँगी किसी वीडियो में। मैं पिछले साल भी इसको लेके आई थी, वो भी घर से ही लेके आई थी, तो देखें इसकी भी जड़ें इतनी अच्छी होती है। तो आप ज़रूर इस तरह से अपने गार्डन में ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं कटिंग से। मेरे को कटिंग लगाना बहुत अच्छा लगता है और मैं ज़्यादातर नर्सरी से पौधे नहीं लाती हूँ। ये देखें, तो देखें कितनी सारी कटिंग है ये, और मैं इनसे ढेर सारे पौधे तैयार कर लूँगी, क्योंकि ये एक बार ये गार्डन में आ जाएंगे तो ये नहीं जाएंगे। ये वेंड्रिंग जू और कोलियस, वेंड्रिंग जू तो थोड़ी सी फिर भी है मेरे पास, छोटा सा है कहीं पे, मैंने देखा है टेरिस पे, इतनी सी डंडी है कहीं। और पर कोलियस तो मेरा पूरा ही ख़राब हो गया था। तो देखो कितनी सारी मैं कटिंग लेके आई हूँ, इनको मैं लगा दूँगी। तो इस तरह से आप भी अपने गार्डन में अपने पौधे तैयार कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो आप इस तरह से कटिंग लगाएं और गार्डन में ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। मैं तो इस तरह से गार्डनिंग करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखें छोटी सी वीडियो है, फुल वॉच करना। मैं आपको इनके साथ जब मैं इनको लगा दूँगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ कि मैंने इन पौधों को गार्डन में जो ऐड किया है।